बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। अगर वो बहुत ही अच्छे से आता है ना तो ये कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स का काम है। लेकिन अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल में अगर इशू है तो यहाँ पे भी इशू हो सकता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि मेरी एक ये वीडियो है, आप देख सकते हो अगर आपको नहीं आता है। अगर आता है आपको ऑलरेडी तो फिर कोई भी इशू नहीं, ये इजीली है, देख सकते हो। फिर मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी नंबर दिया है अगर डेसिमल, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे 26, अगर इसको ये डेसिमल में है, अगर इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दे जाएंगे, ठीक है। और 2 × 13 = 26, जितना रिमाइंडर होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। देन 2 × 6 = 12 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देन 2 × 3 = 6, रिमाइंडर 0। देन 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो यानी कि ये नंबर जो है, अगर ये जो जिससे हम डिवाइड करें उससे छोटा आ गया, हम स्टॉप कर देंगे और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 26 × binary 3। तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा कोई बाइनरी नंबर है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 4 8 16, और जहाँ जहाँ 1 है ना उसको हम ऐड कर देंगे, जहाँ जहाँ 0 है उसको ऐड नहीं करेंगे। तो 16 यहाँ इसके आगे 1 है, प्लस 8 के आगे भी है, प्लस 4 के आगे वो ऐड नहीं करेंगे, 2 के आगे है तो इसको भी ऐड कर देंगे, देन और उसके बाद ऐड नहीं करेंगे। तो 16 × 16 + 8 + 2, तो हमारा आ गया 26, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसलिए मैंने बताया कि अगर ये आ गया तो फिर इजी रहेगा। और फिलहाल के लिए अभी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, हमें 0 to 15 की ज़रूरत पड़ेगी हेक्साडेसिमल में यूज़ करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल लिख रखा है और हेक्साडेसिमल में जो नंबर है 0 to 9 एंड 10 to 15, तो 10 to 15 के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, ए टू एफ, ओके। अब आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या करना है कि जो बाइनरी नंबर दिया गया है ना, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में हम कितने 4 बिट्स यूज करते हैं, तो जो भी बाइनरी नंबर दिया गया होगा ना उसका हम 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, और उसका जो भी हमारा हर पेयर आएगा ना, हर पेयर का कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 1001001001001, तो ये हमारा बाइनरी नंबर दिया है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका 4 का पेयर बनाना है। 4 का पेयर इसलिए बनाते हैं कि इसमें टोटल 4 बिट्स हैं और 4 बिट्स में टोटल पॉसिबिलिटी 2 to the power 4 यानी कि 16 होती है, तो इसीलिए हम 4 बिट्स का यूज करते हैं। ये सारा ऑलरेडी मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 का पेयर बनाएंगे और जो लास्ट वाला जो बचेगा ना उसमें 4 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हो, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है तो वो आप लिखो, यहाँ पे 9 हो गया, ये कितना हो गया 8 1 2 4 हो जाएगा, देन ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अब ये जो 1001, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, 4 के लिए मैंने क्या लिखा है 0100, यहाँ पे 0010 है, 0010 लिख दिया, यहाँ पे 0001 है तो 1 लिख दिया, हो गया कन्वर्ट 1249। तो ये है हेक्साडेसिमल में, इसीलिए बोला था ये बस कुछ सेकंडों का काम है, बस अगर आपको ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है तो, क्योंकि आप एग्जाम में तो आपको ये टेबल रहेगा नहीं, ये तो बस रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1001101011001001001, ओके। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको फिर 4 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 4 का पेयर हो जाएगा, देन ये और यहाँ पे 3 बचा, ओके। तो अब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो लिख देंगे, 7 हो गया ये, 14 हो गया, एंड देन ये 1 2, ये 13 हो गया, 1 2 4 8 और ये हो गया 1। तो अब जो हेक्साडेसिमल में जो 14 है इसके लिए ई यूज़ करते हैं और 13 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा 1D E 7 9, ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1001101, इसका हम 4 का पेयर बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 8, ओके। तो ये 13 हो गया और ये 1 हो गया, और 13 के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डी
तो यानी 1D और ये 3 नंबर था, ये सेकंड नंबर था, तो ये इतना इजी है। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट्स का जो 4 बिट्स का हमने पेयर बनाया था, इसका जस्ट रिवर्स होगा। इसमें क्या होगा, हर एक हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट्स के पेयर में लिखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया है 1249 और ये हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बस आप 1 के लिए क्या लिखेंगे, 0001, 2 के लिए क्या, 0010, 4 के लिए 0100 एंड 9 के लिए 1001। तो ये अब जैसे 1 हो गया, तो 1 के लिए मैंने ये लिख दिया, फिर 2 के लिए मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया 1 के लिए, 2 के लिए मैंने क्या लिखा 0010, देन 4 के लिए मैंने क्या लिखा 0100 एंड देन 9 के लिए मैंने क्या लिखा 100। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7FDE ये हेक्साडेसिमल में दिया, इसको बाइनरी में लिखना है। तो 7 के लिए क्या लिख सकते हैं 011, F के लिए 111, D के लिए 118412, 01D 13 ही होता है ना, D13 एंड देन E के लिए क्या होगा 1114 होगा, तो 8420। ओके, तो ये जैसे 7 है, 7 के लिए मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, F के लिए मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, देन D के लिए मैंने क्या लिख दिया 1101 एंड देन E के लिए क्या लिख दिया, E के लिए 110। तो ये अपना बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इजीली, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे जो 4 बिट्स का है उसका किसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर आपको एक बार अगर उसमें क्लियर हो गया तो ये टेबल को रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जस्ट लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7F2, तो अब इसको लिखना है, तो 0111 और F के लिए 111 और 2 के लिए क्या लिखेंगे 0010। जैसे यहाँ पे 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए 0111, F के लिए क्या होगा 4×1 एंड 2 के लिए क्या होगा 0010। तो ये अपना आ गया बाइनरी में। तो ये इतना इजी है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन इतना ही आसान है, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मेरे बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो जिसमें मैंने बाकी कन्वर्जन भी इतने ही ईजी तरीके से बताया है।